हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। बप्पा आपकी सारी विशेष पूरी करें, ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं आपको। और आज का दिन बड़ा ही पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब वाला ऑलरेडी लग रहा है। सुबह सुबह हम लोग उठे नहीं थे, उससे पहले हम लोग को एक गुड न्यूज ऑलरेडी मिल चुकी है। yes, वो मैं बता रहा आपको कि पापा ने नई कार ले ली। और बताओ, शोरूम भी 11 बजे खुलते हैं, 10:15 बजे तो उन्होंने डिलीवरी ले ली एक बंदे से खुलवा के। बताओ, एक वो डिलीवरी लेते हैं क्यों? क्योंकि कार ली है, मम्मी को घर पे दिखाई है। और हम लोग तो जब तक यार, हम लोग कल रात को एकदम लेट तक तो मैंने दिखाई शूट कर रहे थे, तो सुबह थोड़ा सा लेट उठे फोन ही फोन आया जा रहा है। मैंने कहा क्या? बोले पापा आ गए घर पे। मैंने कहा हम तो हम उठे हैं, आएंगे करेंगे। तो पापा बोले कि मैं तो जा रहा हूँ फैक्ट्री, तुम आते रहना बाद में। पापा लेकर गाड़ी सुबह 10 बजे, अपने 11:30 बजे तो अपने फैक्ट्री पहुंच गए। बोले मैं काम कर रहा हूँ। मैंने पापा को फोन करा कि कब आओगे, तो बोला मैं रात को आऊंगा। मैंने कहा यार कोई मतलब उनका कोई वो नहीं है, तो मैंने कहा चलो रात को देखेंगे गाड़ी, आप सबको भी दिखाएंगे कौन सी कार लिए पापा ने और क्या रिएक्शन होते हैं। क्योंकि मम्मी ने भी 2 मिनट ही देखी हो गाड़ी और फिर पापा चले गए। बोले मैं तो फैक्ट्री जा रहा हूँ, रात को देखना आराम से सबको गाड़ी। माय गॉड अंकल। तो और फिलहाल सबसे पहले आज करते हैं गणपति बप्पा की पूजा, उसके बाद का प्लान हम आपको अभी बताते हैं। सबके घरों में शायद अलग अलग तरीके से होती होगी पूजा। हम लोगों ने अपने घर वालों से पूछा, उन्होंने बताया कि जो अपनी गणेश जी की मूर्ति है उनको पहले पंचामृत से नहलाते हैं, उसके बाद सिंदूर लगाते हैं, उसके बाद चांदी का वर्क लगाते हैं, और उसके बाद जनेऊ पहनाते हैं, फिर भोग लगाते हैं और फिर आरती करते हैं। आरती करते हैं, यस। तो मुझे याद हो गई। बाकी एक चीज और बताना, किन किन के घर में बप्पा आए हैं। और हम लोग भी पता है सोच रहे थे करने का, हाँ। लेकिन पता है क्या सीन होता है उसमें, अच्छे से पूजा वगैरह भी होती है तो और हम लोग के बाहर के प्लान्स हैं, इधर उधर जाने का प्लान बन जाते हैं। तो हम नहीं चाहते कोई भी चीज ऊपर नीचे हो, तो इसलिए मेन तो यार हमारा ट्रैवल है। हाँ, क्योंकि हो सकता है अभी कुछ प्लान्स है जिसकी वजह से बाहर जाना पड़ेगा, और वो बप्पा तो रहते हैं शायद 9 या 10 दिन आराम से, इसलिए। बाकी और एक और चीज, हम लोग ना अभी 10 दिन तक मुंबई में तो चलने वाला है फेस्टिवल, तो एक दिन हम लोग भी मोस्ट प्रोबेबली मुंबई में जाके पूरा आपको फेस्टिवल दिखाएंगे। हम लोग खुद भी देखना चाहते हैं क्योंकि बहुत जोर शोर से बनता है मुंबई में, तो महाराष्ट्र में पूरे। जय हो गणेश जी महाराज। माता जाती पार्वती पिता महादेव। हमारी पूरी सुयश फैमिली को ब्लेसिंग्स, भगवान आपकी सारी विशेष पूरी करे। जय हो गणपति बप्पा। क्या पॉजिटिव वाइब होती है ना पूजा करके। हाँ जी, एक जो डाउट सबके मन में आएगा अभी, क्या मोदक का भोग क्यों नहीं लगा? मोदक वाली हो गई हमारे साथ चोट, हमारा हो गया है फ्रिज खराब, और ऊपर बर्फ और पता नहीं क्या क्या जमा हुआ रखा था, वो पानी आ गया नीचे बह के, और जब उस पे आया तो फिर वो बिस्किट से बनाए हुए थे तो उसमें थोड़ा सा पिघल, मतलब थोड़ा सा चिपचिप गिले गिले से हो गए। तो हाँ। फिर हमने सोचा कि भाई उस चीज का तो हम भोग लगा नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, अगली बार वापस से बनाएंगे। तो इसलिए मोदक का भोग नहीं लगाया, इसलिए हम लोगों ने फिर लड्डू मंगाए, उनका भोग लगाया। अगली बार ना सेम डे बना के सेम डे लगाना रहेगा, एक दिन पहले। यार मुझे लगा टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, तो इसलिए एक दिन पहले बनाए। क्या है, मार क्यों रही है? देखो 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 देखो। अभी इसमें मुझे बहुत तेज मारा, जो चीज रिकॉर्ड नहीं हुई होगी। मैं सच बता रही हूँ, मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करना सोशल मीडिया पे बहुत आसान है। आप कोई चीज जैसे मेरे पे अत्याचार होता है, वो चीज रिकॉर्ड नहीं होगी। इसके जरा सी भी लगेगी तो मुझे मार दिया। तो कोई बात नहीं, देख चाहे ऑन कैमरा ऑफ कैमरा हो, मैं चेंज नहीं हो सकती। मैं तेरी तरह नहीं। एक चीज बताओ कि ना, जब कैमरा ऑन होता है तभी क्यों मेरे को मारने पीटने आती है? मैं इसलिए मारने, देख मेरे को, मैं क्या, आई एम अ वेरी रियल पर्सन, मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे कैमरा ऑन हो चाहे कैमरा ऑफ हो, मैं तो मारूंगी। क्यों मार रही है? मतलब लोग सुन, लोग हमें इसलिए देखते हैं क्योंकि वो हमारी रियल साइड देखना चाहते हैं। ये मेरी रियल साइड है और ये मेरी रियल साइड है, सही में ये पिटता रहता हूँ। अरे ये तो झूठ है, कितना झूठ है, ये तो तूने झूठ बोला, इसको काटेगा, ये इसको काट दे। अच्छा गाइस, अभी सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं उमासरा, संजीव भैया का एक और सैलून की एक और बड़ी ब्रांच ओपन हो रही है, तो उसके ओपनिंग में हम लोग जा रहे हैं। और वो कोई नॉर्मल सैलून नहीं है, ऐसी कोई चीज जयपुर में कभी देखी नहीं, नहीं है। ये फर्स्ट टाइम हो रही है जयपुर में, तो कुछ बड़ा ही है, हमारे लिए सरप्राइज है। हम लोग वहीं जाकर आप लोगों को बताएंगे, और उसके बाद फिर हम सब के सब जाने वाले हैं घर पे, घर पे गाड़ी लेने। ताली मार रही थी मैं, ताली मार, चले इसको भी काट देंगे ये। मेरी बेइज्जती कर रहे हैं लोग, इनको तो मैं बताऊंगा। अनक से ऐसा लगने लगा है कि मेरे घर में ना कोई खाने पीने की चीज खत्म करने के लिए कुछ लोग आगे बताए। मोदक बनाए, मोदक की तो बैंड बज गई यार। नए मोदक तो बनाए होंगे ना तुमने, मंगवाए होंगे ना।
वो मुझे पता है तुम इसलिए आए हो सालो लड्डू खाने के लिए। पीली टी शर्ट कहाँ गई तेरी इतने दिन हो गए तीन तो येलो की हो गई पांच व्हाइट की हो गई भाई आज कितनी गाड़ी लेके चलनी है घर पे जीपे का कॉल का वेट कर रहे हैं मैंने बोला था कि जैसे आप कॉल करोगे उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे ऑलमोस्ट दो घंटे से मैं उनका वेट कर रहा हूँ उन्होंने जो टाइमिंग बताई थी उससे दो घंटा ऑलरेडी ऊपर हो चुका है देखो बहुत ही प्यारा सा सनसेट हो रहा है पीछे ये देखो कितना प्यारा सनसेट हो रहा है और कितना प्यारा मौसम शाम होने वाली है और हम वेट कर रहे हैं कि भैया कॉल करके हमें बुलाएं तो हम आज जाएं और उसके बाद हम लोग घर जाएं आप सबको कार दिखाएं और यार बताओ जिस टूर्नामेंट के लिए मैं प्रैक्टिस कर रहा था क्रिकेट के लिए वो पोस्टपोन ही हो गया आगे सॉरी क्रिकेट का फुटबॉल के लिए वो पोस्टपोन हो गया आगे अब डेट्स पता नहीं कब आएंगी तो फुटबॉल जारी रखेंगे लेकिन थोड़ा बहुत गाइस हम लोग सब है रेडी लेट्स गो बहुत टाइम लगा दिया लेट हो गया यार हम लोग अंदर पहुंच चुके हैं अब सीन ऐसा था कि बाहर एक तो पूरी रोड जाम अंदर इतनी लोग इतने भीड़ तो पहले हम लोग आए सोना रूम के अंदर मैंने कहा यहाँ मैं पहले ब्लॉग चालू कर लो अपना कि बता दो कि हम एंट्री ले चुके हैं अभी तो क्या थोड़ी सी भीड़ है तो ठीक से हम दिखा नहीं पाएंगे लेकिन हाँ फॉर श्योर अच्छे से आपको यहाँ पर दिखाएंगे हम खुद भी आएंगे वापस से आज तो ओपनिंग है इतनी भीड़ है यहाँ पर आज पूरा सेशन लेंगे पूरा दिल लगेगा यहाँ हाँ हम सबको छोड़कर आ चुके हैं मेन चीज पर इसी के लिए तो हम लोग आए थे आज हमारा डिनर का जुगाड़ नहीं हो रहा था हमारी कुक आंटी ऑफ पर है ग्लूटेन फ्री दे मेड ऑफ चिक पीस दे मेड आउट ऑफ चिक पीस मेरा तो दिन बन गया और सब कुछ हेल्दी मिल रहा है यहाँ पर क्योंकि उमासरा हेल्थ सेंटर है ना यहाँ पर कुछ भी जंक कैसे मिलेगा आगे आगे जंक भी क्या चलो तो फिर अपन भाई चलते सीधे मिठाइयों पे चल मिठाइयों पे गाइस ये कुछ है सीताफल रबड़ी रबड़ी मिल गई गुलाब जामुन देख ले मिक्स करके खाते हैं इतना बड़ा समोसा कहाँ अटकी हुई यहीं पर अभी तक तो नाच रही है मैंने पास्ता बनवाया है नूडल्स ये देखो कैसे फ्रेश बन रहा है मैंने भी थोड़े गाइस तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाद में यहाँ का पूरा टूर देने वाले हैं जयपुर में उमासरा ओपन हो चुका है लोकेशन बता देता हूँ क्वींस रोड पर उमासरा हाँ वैशाली नगर उमासरा संजीव को कॉल कर सकते हैं कोई भी या फिर इस लोग उमासरा डालोगे गूगल मैप पे आ जाएगा और यहाँ का एक्सपीरियंस लीजिएगा मजा आ जाएगा मजा आ जाएगा मजा फुल तो हम लोग अच्छे से और एक्सप्लेन करके आपको हर एक चीज दिखाएंगे कांग्रेचुलेशन वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच अब उमासरा की ब्रांचेस ओपन होती है बैक टू बैक जल्दी से जल्दी मतलब 15 जो साइलेंस सीजन है 15 उमासरा ओके सो दोस्तों अब आ चुके हैं हम लोग घर के पास मम्मी तो पहुंच गए पहले ही ये अगर लेट हो जाए अपने से ऐसा हो सकता है खुर्रा बन रहा है यहाँ नहीं यहाँ मना कर दी आंटी लगाने को और बाप रे मना ही कर दी हाँ इनका घर है भाई मैं लगा भी नहीं सकते गाड़ी का है अरे एक सेकंड तो आप नहीं लेके आए अच्छा घर लेके गए थे गाड़ी गाइस हमारी न्यू कार आ चुकी है अरे वाह यार अंकल आपने हमें दुलाना जरूरी नहीं समझा हाँ सुबह 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 पर्दा उठाते वक्त वीडियो भेज दिया बस इंस्टा उस पे अरे मैं तो फोन कर रही थी तुमने किसी ने फोन ही नहीं उठाया था तो यार इतनी सुबह सुबह हमारा अलार्म भी नहीं बजता दोस्तों ये रही हमारी पापा की कार सही है व्हाइट कलर में अच्छी लगी हाँ ऑटोमेटिक भाई अभी घूमने चलेंगे चलो चलो यार पापा आप भूल जाओ पापा को मस्टैंग की चाबी दे दो आप मस्टैंग लेके जाओ तुम्हारी मस्टैंग है वो मेरी मस्टैंग है लो आंटी को घुमा के लाओ अरे आप बैठी नहीं इसमें गाड़ी में बैठी थी ना सुबह यार आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम सुबह सुबह कर लिया यार कांच भी बंद होता है इसमें तो ऑटोमेटिक तुम्हारी मस्टैंग में नहीं होते कांच बंद हां देखो साइड मिरर ये लो अंकल अब इसका क्या करोगे पुरानी वाली का इसको फैक्ट्री खड़ी कर देंगे अनुज को दे दो ये तो ये फैक्ट्री में जाएगी अगर ये फैक्ट्री में रहेगी तो जाके ये सही सलामत रह पाएगी इसमें भी माल ढोने लग जाएंगे ये पापा फिर ऐसे ही कर लेंगे इसको भी हाँ यार इसको मत करना गंदी यार इसमें मस्टैंग की कॉपी करी है ना हमने क्या कैसे देखो ना ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक अच्छा यार अंदर से भी अच्छी है हाँ बैठ के देखो ना ये स्टार्ट है हाँ पता ही नहीं चल रहा स्टार्ट हो गई स्टार्ट हो गई हाँ ईवी है तो स्टार्ट है ये रेडी लिखा हुआ है ना एम पे ये रेडी टू गो है ये देखना डायल दे रखा है इसमें ड्राइव ये ड्राइव मोड क्या रेंज रोवर आगे चल दे और ये रिवर्स रिवर्स और एक कैमरा बैक अच्छा हमारे से अच्छा कैमरा पापा इसका एस पे क्या है स्पोर्ट्स मोड स्पोर्ट्स ले 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 मस्त है ना अंकल रेस हो जाए मस्टैंग की और इसकी बिल्कुल
बढ़िया लग रही है। डैशबोर्ड वगैरह भी बड़ा अच्छा क्यूट सा है यार। अंकल ने गाड़ी तो मस्त शानदार ये चूज करके आए थे कि आप खुद जाके तो तुझे पूछेंगे आंटी कभी मिस्टेक लेके आए मस्टैंग को मिस्टेक बोल रही है यार मम्मी अब तो घूमने के लिए सही गाड़ी हो गई आपके पास है। पर पापा को टाइम नहीं है घूमने नहीं यार लेकिन पापा ने छोटी गाड़ी चूज करी है लेकिन चूज जोरदार करी है पीछे भी सही स्पेस है ना। हाँ मैं बैठा हूँ यार आराम से मस्टैंग में नहीं बैठ पाता मैं आंटी। अरे वो साला तुम एक तो मस्टैंग करना बंद करो। ये देखो यहाँ पे कर्व एसी नहीं बहुत अच्छा डिजाइन कितनी सेक्सी दे रखी है इसकी यार। मैं वही कह रही हूँ ना ये भी बहुत बहुत प्यारा है। गणेश जी लग चुके हैं आज हमारी गणेश चतुर्थी पे हमारे घर में एक और नई कार आ गई है। अब पता है पापा थकेंगे कम उसमें क्या है वो मैनुअल है गियर चेंज करो क्लच दबाओ अब तो चलती रही आराम से। ये तो है ना ज्यादा प्रेशर ना कुछ और इसका हैंडल भी बहुत स्मूथ है। थोड़े दिन अंकल इसको चला लेंगे ना फिर मस्टैंग भी चला लेंगे। हाँ इसको चलाने के बाद तो पापा मस्टैंग भी चला लो। पापा कहाँ गए? ये अंकल अच्छी है यार पापा गाड़ी तो मैं भी सीख लूँ तो मैं भी सीख लो। सही है मैं सही चला लूंगी। सही बात है हैवी ड्यूटी नहीं है लाइट वेट के लिए लो पापा बोल रहे हैं लाइट वेट के लिए पतले होने के लिए कह रहे हैं आपको। बताओ आपको चैलेंज ले लेना चाहिए आंटी तुम्हें पतली हो गई ना पहले से तो सोचन आ रही है। दीदी यहाँ पर पूजा करती हुई बैक टू बैक पूजाएं हो रही हैं। सही है ना अच्छा है। और पीछे डिग्गी भी ठीक है यार बस इसमें ईवी में स्टेपनी नहीं आती है। अच्छा और ये दे रखा है हवा भरने के लिए पंचर निकालने के लिए अगर हो जाए तो। अरे भाई पापा के हिसाब से पापा ने बहुत सही चूज किया। बैठ पा रहे तो अच्छा। मैडम जी कहाँ जा रही हो फिर लॉन्ग ड्राइव पे? भैया सुबह मम्मी बैठी फोटो खींच रहे मुझे ऑफिस जाना है। हाँ बताओ पापा ने बताया क्या आपको 10 रुपए दिए पापा ने पूजा करने के? मैंने रिकॉर्ड कर लिया पापा 10 रुपए दी मम्मी को पूजा करने के लिए। क्या टॉपी इतने में आ जाती है छोटा मिनी पैक करी नहीं डाइटिंग पे है ना इसलिए कम दिए। देखो सुबह नहीं करी थी क्या आपने पूजा? नहीं 10 रुपए मिले थे डाइटिंग चली तो पैसे की डाइटिंग हो जाती है ना कम हो जाते हैं। अभी पूजा कर रही है अभी भी नहीं देंगे पैसे तो वो अभी तो देंगे पापा अरे पता है क्या सीन है हाँ वीडियो चल रहा है एक तो और क्या उन्होंने शायद पैसे देख लिए। अरे पेमेंट रिलीज करवा रहा हूँ अरे तेजी मिठाई खाओ यार पूरी खाओ बहुत शानदार अरे सूरज भैया फोड़ो अरे एल हवा और वो गिर गए भाई आराम से भाई यार गाइस एक राउंड लगा के आते हैं चलो अरे चल हट यहां से पैसे दो जब मिलेगी गाड़ी पैसे दो पैसे मांगती रही सबसे हमने मिस्टेक कर दी हम नहीं देंगे पैसे वो देख पीछे पहले बैठ गए कौन कौन जब जब है अरे जाओ ना तू जा अरे जा दीदी आजा 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 भाई सब बैठ जा मी को बैठ जा 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 बैठ जा बैठ जा आ जाएगी अरे भाई साहब फुल पैक हो गए भाई मैं आ जाऊं तू भी आ जा अंकल आ जा पंडित जी अंकल की सांसें गले खराब करेंगे साले इतने तो वेन्यू में भी नहीं है। अरे भाई बैठ गए तो ये तो गाइस शादी में जाने वाली गाड़ी है और क्या चल भाई चल खाटू जान तो चल कंफर्ट भी बहुत अच्छा है इसका ये सीट बहुत अच्छी है और भाई यार वो सेक्सी गाड़ी है ओ माय गॉड भाई मैं इतने जी के पास बैठा था फोम सा महसूस हुआ इसलिए मैं नीचे बैठा हूँ। अंकल ने अपना आदमी भेज दिया पहले पूरा अपडेट रखने
करने के लिए किया है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, गाड़ी से सलामत चाहिए यहाँ पर। मैं तो ये सोच रहा था पता नहीं कौन सी लेकर आएंगे पापा, कभी i10 बोलते थे, कभी कौन सी बोलते थे, नहीं अच्छी है, अच्छी ईवी लेकर आ गए। कलर भी अच्छा वाइट। वो अभी है ना बर्थडे आज का। अच्छा गणेश चतुर्थी पे। अच्छा गणेश चतुर्थी पे आए थे, 12 साल हो गए ना उसको, फिर 11 साल पूरे, 11 साल के बाद नहीं आई थी मुझे अभी भी याद है। मैं ना ये घर तो बना हुआ नहीं था, कुछ भी नहीं था, यहाँ पे ऐसे कार खड़ी, अंदर पापा लग दिए थे और मैं और अनुज इस पे चढ़ गए थे ऊपर, ऐसे करके चढ़ गए थे। हम उस टाइम बोलते थे पापा होंडा सिटी लो, होंडा सिटी, पापा एल्टो ले आए थे। हमें क्या बताते, इतना मुश्किल होता है गाड़ियाँ खरीदना, अब पता लगी जब हम खुद खरीदने लगे। मॉडिफाई करवा रहे इसको, मॉडिफाइड करा रहे क्या, चक्के लगा लेना बाहर निकले, ट्रैक्टर वाले जो थार लगवा लेते हैं, एक्सचेंज ऑफर है तेरे से बदल ले। ओल्ड इज गोल्ड, गोल्ड दे रहे हैं और क्या चाहिए, सिल्वर ले रहे, गोल्ड दे रहे। ओके मम्मी जब पापा घुमाने लेके जाए तो बताइयो, है ना, बाय। आप भी कर सकती हो अब तो व्लॉगिंग, हम लोग जा रहे हैं, हमारी मिस्टेक लेके करेक्ट।